मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इज्जू की लाइफ में। आज हमारी विजिट है मसरवा मंडी, जो इतवार यानी संडे के दिन लगती है। हफ्ते में एक दिन आप यहां आ सकते हैं। मेहंदिया नियर जस्ट बगल में मेहंदिया है, जो NH 98 पे मैप में सर्च करने के बाद आपको मेहंदिया मिल सकता है। और दोस्तों, आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो ये है अरवल डिस्ट्रिक्ट, स्टेट बिहार में, यहाँ पे हमारी आज विजिट है। तो दोस्तों, हम आज इस मंडी का अपडेट देने वाले हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे दो तीन गाय अवेलेबल है। जैसे मैं ये देख सकते हैं, एक देसी नस्ल की गाय जो प्रेग्नेंट है, गभिन है, और दूसरी ये देख सकते हैं जो बच्चा दे चुकी है। ये इसका काफ आप देख सकते हैं, काफ फेमेल है। और हमारे साथ हैं आज सेल्समैन उपेंद्र यादव, जो रामाशीष यादव सेल्समैन के भाई। मसरवा मंडी में अक्सर ये इनकी गाय, दो तीन गाय अवेलेबल रहती है सेल के लिए। तो दोस्तों, हम सभी तीनों गायों का प्राइस बताएंगे। तो ये देख सकते हैं, ये है इनकी गाय, जो लगभग 10 से 12 लीटर दूध की कैपेसिटी। और मैं जानना चाहूँगा इसका दांत वगैरह। इस मंडी में बहुत कम ऐसा होता है कि 16 प्लस लीटर दूध करने वाली मिल सके। और अक्सर सेल्समैन की ही गाय थोड़ी खूबसूरत और दूध वाली होती है। ये देख सकते हैं, जो पिछले मंडियों में मैंने भी दिखाया था, तो उपेंद्र यादव सेल्समैन का ही बढ़िया गाय देखने को मिला था। इस मंडी में फिर से इनकी ही गाय जो खूबसूरत में है, वो देख सकते हैं, ये है इनकी गाय। तो हम जानना चाहेंगे इसके बारे में डिटेल में। दांत में दूध दूध तो सर ने बताया है 14 लीटर दूध की कैपेसिटी, दो दांत की गाय, यानी फर्स्ट लैक्टेशन में काफ फेमेल के साथ। तो सर से जानना चाहेंगे हम इसका प्राइस, के ये कितने प्राइस तक दे सकते हैं। तो सर, ये इसके प्राइस क्या है, डिमांड कितना रखे हैं आप? प्राइस 65,000। 65,000, तो सुना आपने, 65,000 सर का डिमांड है इस गाय का। जो आप देख सकते हैं, ये है थन, इसका थन की बनावट बढ़िया, बट दूध की कैपेसिटी थोड़ा कम है। खूबसूरती में आप देख सकते हैं, इस तरह की खूबसूरत गाय है। तो चलिए देखते हैं इनकी एक और गाय जो अवेलेबल के लिए है। तो ये है सर की दूसरी गाय, जो देख सकते हैं आप, दांत में मिली हुई है। हाँ, दांत में। तो ये देख सकते हैं, ये है इसका काफ, और ये है दांत गाय, जो दांत में मिली हुई गाय है, यानी दूसरी या तीसरी लैक्टेशन होगी। तो सर से हम खुद जानना चाहेंगे, दूसरी है या तीसरी? दूसरी, दूसरी बयान में है। ये देख सकते हैं थन की बनावट इसकी। इसी तरह की आज इनके पास गाय अवेलेबल है, जो इसकी भी दूध की कैपेसिटी मुझे लगता है 10 लीटर के अंदर ही होना चाहिए। तो सर से हम खुद जानना चाहेंगे कि इसकी दूध की कैपेसिटी क्या है। काफ भी पूछ लेते हैं इसका। दांत में हमने बता दिया है कि दांत में ये 6 दांत की गाय, ये भी 14 लीटर। तो सर ने इसका भी दाम और बताया है, 14 लीटर दूध की कैपेसिटी बाछा बच्चा के साथ दांत में मिली हुई। दाम बता दीजिए सर इसका। दाम इसका 50,000। तो सुना आपने, 50,000 सर का डिमांड है। काफ दिखा देना चाहूँगा मैं, ये है काफ इनके पास। तो तीसरी गाय जो देख पा रहे हैं आप, तो दोस्तों इनके पास सिर्फ मात्र 2 ही गाय थी। मुझे लगा ये तीसरी गाय, जो देसी ब्रीड में आप देख पा रहे हैं, गंगोत्री नस्ल, जो प्रेग्नेंट है, गाभिन है, लगभग हो सके तो 4 से 5 दिन में ब्याएगी। इसके ऑनर नहीं है यहाँ पर, मुझे लगा शायद इनकी ही गाय है। तो ये देख सकते हैं, ये भी बढ़िया गाय है। अगर ये गाय परचेस करना चाहे कोई देसी ब्रीड में, तो इसे परचेस कर सकता है। बट इनका ऑनर मैं देख लेता हूँ। पहले हम सर का नंबर ले लेना चाहेंगे, जो उपेंद्र यादव सेल्समैन जी हैं। 85, 21, 42, 47, 46, 47, 46, 85, 21, 42, 47. तो ये उपेंद्र जी का नंबर है। अगर आप इन दोनों गाय या फिर इसी तरह की गाय सर से कांटेक्ट करके एक दिन पहले अगर आप कांटेक्ट करते हैं, तो मंडी में आने से पहले आपको पता चल जाएगा कि सर के पास कितनी दूध करने वाली गाय अवेलेबल है, किस तरह की है। आप परचेस कर सकते हैं इनसे कांटेक्ट करने के बाद। तो दोस्तों, देसी नस्ल के ब्रीड जो मैंने आप लोगों को ये दिखाया, उनके ऑनर साहब हमें मिल चुके हैं। तो सर से हम जानना चाहेंगे इसके बारे में, ये ब्याती है तो दूध कितना करती है सर? घर की है आपकी? घर की है। कितना दूध करती है, बच्चा देती है? एक टाइम में 3.5 किलो एक टाइम में दूध करती है, जो अभी तीसरी ब्यात में है गाभिन। अगर कोई देसी ब्रीड का शौकीन है, ख़रीद कर रखना चाहता है अपने घर के लिए या फार्म के लिए,
तो इस तरह की गाय आप परचेस करते हैं तो सर आपका अपना एक कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए ताकि अगर कोई ख़रीदना चाहे तो आपसे कॉन्टैक्ट कर ले। बोलिए 7033 95 49 20 7033 95 49 20 तो ये है इनकी सर की गाय जो आप देख सकते हैं। थोड़ा घुमा दीजिएगा सर, घुमा दें। हाँ, जो प्रेग्नेंट है सर ने बताया 10 दिन के अंदर ही का ये बच्चा दे सकती है। तीसरी लैक्टेशन के लिए तैयार है, यानी तीसरी बार ब्याने के लिए तैयार है। थन बनावट आप देख सकते हैं, घूमने के बाद आपको ज़्यादा अंदाज़ा मिल जाएगा। कद काठी में बहुत ही छोटी कद काठी, बहुत से ऐसा गाय होती है देसी ब्रीड में जो कद काठी की छोटी होती है और दूध उसका बढ़िया निकाल देती है। बहुत से लोगों का डिमांड होता है कि देसी ब्रीड दिखाइए, तो दोस्तों अगर परचेस करना चाहते हैं तो आप इस तरह की गाय परचेस कर सकते हैं और उसे अगर बढ़िया से खिलाया पिलाया जाए तो अच्छा दूध करने लग जाएगा अगर आप खिलाते पिलाते हैं बढ़िया से। तो चलिए देखते हैं इसी तरह की और गाय। तो दोस्तों आज पहुँचे हुए हैं रामाशीष यादव सेल्समैन, जो इस एरिया के मशहूर सेल्समैन है यहाँ पर, और गोह मंडी में इनकी अक्सर गायें आती है और जगह से भी बिक जाती है। इनका इतना पहचान बना हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इनके पास आज 3 गाय अवेलेबल है सेल के लिए, लगभग 12 से 14 लीटर दूध की कैपेसिटी वाली। तो सर से हम जानना चाहेंगे डिटेल्स में क्या है इनके पास आज की। देख सकते हैं ये है बहुत ही खूबसूरत ब्लैक कलर, वाइट कलर में अक्सर खूबसूरत गाय होती है। तो हम पूछना चाहेंगे सर से कि इसका दूध की कैपेसिटी कितना है, ये दूध कितनी करती है, कितनी लैक्टेशन में है। ये देख सकते हैं थन की बनावट मैं दिखाना चाहूँगा, ये है थन। दांत में सर दो दांत की है। ये देख सकते हैं फर्स्ट लैक्टेशन में बच्चा दिया है। तो काफ मेल है ये देख। और दूध कितना कर रही है? 8 लीटर कर रही है एक टाइम में। तो सुना आपने सर ने बताया कि 8 लीटर दूध की कैपेसिटी है इस गाय की। तो सर इसका डिमांड कितना रखे हुए हैं आप? 65,000 65,000। तो सर एक बार और फिर से एक बार पीछे की ओर दिखाइए। तो सर ने बताया 16 लीटर दूध की कैपेसिटी काफ मेल के साथ, जो फर्स्ट लैक्टेशन में दो दांत की गाय है। ये है थन, देख सकते हैं 16 लीटर दूध बताया है सर ने, जो कि मुझे शायद से हो सकता है कम हो, 12-14। आप परचेस करना चाहें तो सर दूध निकाल कर दिखा सकते हैं आपको। अब जो हसपुरा में इनका फार्म है जहाँ पे रखते हैं ये अपनी गायों को, वहाँ पे अगर कोई वहाँ से अगर कोई परचेस करना चाहेगा तो सर दूध निकाल कर दिखाएंगे, फिर आप परचेस कर सकते हैं। तो सर का हम नंबर भी प्रोवाइड किया जाएगा और आप नंबर से कांटेक्ट करके ख़रीद सकते हैं। तो सर का दूसरी गाय हम देखना चाहेंगे जो कि प्री ब्लैक कलर की गाय, ये भी बिया चुकी है, यानी लैक्टेशन दूसरी होनी चाहिए इसका। ये है थन। तो सर इसको भी घुमा के दिखा दीजिए थोड़ा। तो ये देख सकते हैं थन की बनावट, जो इस गाय से फर्स्ट वाली गाय से थोड़ी कमज़ोर, पानी आया यानी कम टाइम में, यानी दूसरा या तीसरा दिन होगा ये इसको ब्याह कर। दांत में ये मिली हुई है क्या? हाँ, दांत में मिली हुई, दूसरी तीसरी हो सकती है। तो सर ये दूध कितना कर रही है? 7 लीटर एक टाइम में। बच्चा बाछी है? बाछी। तो ये है थन इसका। तो प्राइस क्या रखे हैं सर इसका? 45,000 सर ने इसका डिमांड रखा है, 45,000। जो 14 लीटर दूध की कैपेसिटी दांत में मिली हुई गाय का फेमेल के साथ, यानी बाछी। तीसरी गाय देख सकते हैं छोटी कद की, ये भी लग रही है फर्स्ट लैक्टेशन। तो हम पूछना चाहेंगे सर से इसका भी डिमांड वगैरह। तो हम सबसे पहले इसका देखना चाहेंगे बनावट। ये है बहुत ही कद काठी में छोटी, ये फार्म के लायक की गाय नहीं है, ये आप देख सकते हैं बहुत ही छोटी थनों वाली, और बांट भी आपको छोटा दिखने को मिलेगा। तो सर से हम जानना चाहेंगे, सर ये दांत में दो ही दांत की है, फर्स्ट लैक्टेशन में, बच्चा क्या है इसका? बाछी है। दूध कितना कर रही है? 5 लीटर कर रही है एक टाइम में। तो सुना आपने 5 लीटर दूध की कैपेसिटी है, बाछी बच्चा यानी फेमेल, दांत में दो दांत। तो सर इसका डिमांड कितना रखे हैं सर आप? 45,500 रुपये में। तीनों गायों का बच्चा दिखाना चाहूँगा आप लोगों को। यह है फर्स्ट वाली गाय का बच्चा, जो देख सकते हैं काफ मेल,
ये दूसरे वाले का, सॉरी ये तीसरे वाले का जो बहुत ही खूबसूरत दोनों बच्चे हैं, बट ये जो फीमेल है जो 10 लीटर दूध की कैपेसिटी है उसका बच्चा आप देख रहे हैं जो खड़ा है, काफ फीमेल है, और ये तीसरा भी फीमेल है जो बच्चा कोई खूबसूरत नहीं, जो बड़ी गाय जो बीच वाली गाय आपने देखा। तो दोस्तों इनकी है ये जो सेल के लिए अवेलेबल है तीन गाय इनका मैंने। तो दोस्तों कैसा लगा इनकी गाय आज? कोई खास नहीं, यानी आप कह सकते हैं कि फार्म के लायक नहीं गायों में 14-15-16 लीटर। फर्स्ट वाली मुझे थोड़ी खूबसूरत लगी जो आप फार्म के लिए रख सकते हैं अगर 16 लीटर दूध की कैपेसिटी होती है। तो चलिए देखते हैं एक दो गाय और इसी तरह की। तो सर से हम नंबर लेना चाहेंगे 62-400-46-40 दोस्तों बहुत से लोगों का डिमांड होता है किसान की गाय दिखाया जाए, तो मुझे एक मंडी में इस मंडी में मिल गई। देख सकते हैं किसान भाई की गाय है जो फर्स्ट इलेक्ट्रिशियन में पहला उठी। चचा ना दूसरे है, दूसरा है, बाछा है। दूध कितना है तैयार अभी? ज्यादा हो गए, वही से बेचल चाहिए था। दूध अभी तैयार कितना है? तैयार अभी मतलब कि 4 किलो। तो सुना आपने 4 लीटर दूध की कैपेसिटी सर ने बताया है, ये देख सकते हैं। दूसरी इलेक्ट्रिशियन में है, दांत सर को पता नहीं। मांगते हैं कितना चचा? कितना मांगा हूँ? 30,000। मात्र 30,000 डिमांड है सर का। ये है बनावट, ये देख सकते हैं। तो सर से हम नंबर प्रोवाइड कराएंगे ताकि अगर मंडी में सेल नहीं हुई तो आप अगर इसे परचेज करना चाहें तो कर सकते हैं। काफ मेल है दूसरी इलेक्ट्रिशियन में ना। हाँ 62-044-43-742-41-43-743-43-742। अगर मंडी में ये सेल नहीं होती है तो सर से कांटेक्ट करके आप परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आज की मंडी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।